और उम्मीद करता हूं कि रसूल भरोसा है कि आवाम के दरमियान उनके मुश्किलात को है ना जानकर हल करने के लिए जो अपने हाथ से हो सकता है वो करेगा। यहाँ पर जिम्मेदारी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी बनेगी और बाकायदा हर ब्लॉक में एक प्रेसिडेंट और उसकी एक कमेटी बनेगी करने के लिए। मैं इनको जो ताकत इनको देनी चाहिए उससे बढ़कर दूंगा, जिससे ना ऑफिसरों से मिलना है या फिर कहीं भी जो भी काम करना है कानूनी दायरे में जो काम कर सकते हैं उन तमाम चीजों के लिए इनको है ना पूरी ताकत और छूट दी जाएगी। सर, केपीसीसी की तरफ से नई दिन का आगाज हुआ, खुसूसन जो गली में जो ढेलने की गाड़ी वगैरह के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी थी, इस बात को सोच कर कांग्रेस ने कदम बढ़ाया और उसी सिलसिले में मैसूर से अपने जिम्मेदारी सर इस पोस्ट के सिलसिले में आवाम को बताएं सर। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस एक वाइट पार्टी है के हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर शोबे को साथ देने की नीयत से, चाहे वो टीचर्स विंग हो, ग्रेजुएट्स विंग हो, डॉक्टर्स विंग हो या इंजीनियर्स विंग हो, इन तमाम चीजों के लिए जिस तरीके से हम काम करते थे और खास तौर से औरतों के लिए महिला कांग्रेस का आगाज हुआ और साथ ही साथ नौजवानों के लिए यूथ कांग्रेस हुआ है, तो इसी तरीके से आज हमारी जिंदगी में जो तकलीफ में है, खास तौर से जो ढकलने की गाड़ी में अपना व्यापार करते हैं या फिर है ना रास्ते के किनारों में है ना जो अपना काम कर रहे हैं, उनको आए दिन जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, नए नए कानून बन रहे हैं, कहीं पुलिस उनको है ना काम करने के लिए इजाजत नहीं देती, तो कहीं है ना कॉर्पोरेशन वाले उनको तकलीफ दे रहे हैं, तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि है ना ये तबका ये शोभा जिसे है ना बेहद साथ देने की जरूरत है, तो इसके मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिसे मुझे खुद है ना वर्किंग प्रेसिडेंट के जैसे नामजद किया है, तो इसमें जो रोड साइड वेंडर्स हैं उनके लिए जब मरकज में मनमोहन सिंह की हुकूमत रही तो उस वक्त में एक नया प्रोग्राम हमने आगाज किया था, लेकिन उनको रियासतों में लाना बड़ा ही देर का एक सिलसिला चला। अब मौजूदा सिटी कॉरपोरेशन में लगभग 26,800 से मजीद रोड वेंडर्स को, रोड साइड वेंडर्स को है ना रजिस्टर किए हैं, तो हर किसी को है ना मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए उनको है ना उनके है ना तिजारत के लिए लोन देने का भी सिलसिला आगाज किया गया है जी बंडवाल। तो उस चीज को लेकर आज रसूल को मैसूर डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीट वेंडर्स कांग्रेस के सदर के हिस्से से हमने है ना नाम दर्ज किया है, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जो मेहनत कर कर तिजारत कर रहे हैं, क्योंकि उनको अगर वो मौका भी ना दिए तो है ना चोरों की तादाद बढ़ जाती है, तो आज मेहनत कर कर हलाल रिस्क कमाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए
आज मैं मुझे बेहद खुशी की एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज चाहे अजीसेट रोड हो के फोरम मॉल से लेकर रिंग रोड तक, तो एक रास्ते में लगभग है ना हजारों लोग रास्ते में है ना तिजारत कर रहे हैं। तो हमारी एक ख्वाहिश है कि उनके तिजारत में है ना बिल्कुल किसी का है ना दखल ना हो, खास तौर से पुलिस और कॉरपोरेशन का। तो इससे है ना उनको महफूज रखकर है ना काम करने की इजाजत दी गई है। और उनसे भी मेरी अपील है कि आने जाने वाले के गाड़ियों को है ना कि कहीं तकलीफ ना हो, जितना अंदर के हिस्से में आप गाड़ी लगा सकते हैं लगाइए और है ना आपका तिजारत कीजिए, तो जिससे है ना लोगों को भी सहूलत होगी और तुम्हारी भी तिजारत बनेगी। और ये कॉम्पिटिशन में दो दो तीन तीन चार चार गाड़ी लाकर एक के बाद जो एक खड़ा कर है ना आधा पौना रास्ता है ना पकड़ लेना, ये भी है ना गलत बात है। तुम्हें जिस तरीके की सहूलत देना है या तुम्हारे परेशानियों को जिस तरीके से हल करना है, आने वाले दिनों में जो मसाइल हमारे सामने आएंगे उसको लेकर हम काम करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि रसूल जिसका है ना एक जिससे हम मुझे है ना ये इत्मीनान एक भरोसा है कि आवाम के दरमियान उनके मुश्किलात को है ना जानकर हल करने के लिए जो अपने हाथ से हो सकता है वो करेगा, या नहीं तो है ना मेरे पास लाकर है ना उसे है ना हल करने की कोशिश करेगा। शहर मैसूर में जहां कहीं भी ये काम चल रहा है, और मैंने है ना कॉर्पोरेशन से और डीसी से भी बात की है कि फूड कोर्ट्स हर मोहल्ले में, ये पानीपुरी है या इडली डोसे बनाने का है या है ना गोभी बनाने का है, ये जो भी काम करते हैं उनको एक महफूज की जगह हम है ना तय कर दे दें, जहाँ एक पब्लिक टॉयलेट होगा और है ना पीने के पानी का सहूलत होगा, या ऐसा पाकी साफी का भी एक इंतजाम होगा, और तिजारत करने वालों को भी है ना एक मौका फराहम करने के लिए आने वाले दिनों में इसे है ना और बेहतर तरीके से और ताकत के साथ लोगों को है ना फायदा पहुंचाने के लिए और उनकी जो तकलीफ है उसे हल करने के लिए एक नया नक्शा बनाकर उसके ऊपर काम करने की कोशिश की जाए। सर, ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है, एक तरह से मैं कहूंगा कि खेलने वाली गाड़ियों के लिए एक शराख बन चुकी है जी। अभी वो लोग एक उम्मीद की नजर से आपको देख रहे हैं, जिस तरह आपने एम रसूल की जिम्मेदारी है कि हर इलाके में ये पहुंच नहीं सकते सर, तो क्या एम रसूल को मशवरा देंगे कि वो दीगर नौजवानों को लेकर काम करें? नहीं, अभी इनके सामने जो इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी बनेगी और बाकायदा हर ब्लॉक में एक प्रेसिडेंट और उसकी एक कमेटी बनेगी, और इसको बनाने के साथ खिदमत करने की तादाद जो ये शोबे में काम कर रहे हैं उनके मुकाबले में एक अच्छी तादाद होगी जो है ना उनके लिए रात दिन है ना काम करने की काहत कर काम करेंगे। और ये काम करने के लिए मैं इनको जो ताकत इनको देनी चाहिए उससे बढ़कर दूंगा, जिससे है ना ऑफिसरों से मिलना है या फिर कहीं भी जो भी काम करना है कानूनी दायरे में जो काम कर सकते हैं उन तमाम चीजों के लिए इनको है ना पूरी ताकत और छूट दी जाएगी।